और उसके बाद मुझे जाना है नाई के पास, कटिंग वगैरह भी करना है और खुद भी नहाना है फिर से, क्योंकि हालत फिर से ख़राब हो गई। तो क्या ही बोले, आपके भाई को अब इन सब चीज़ों से मन भर गया, टाइम नहीं मिल रहा है, उस रीज़न की वजह से डेली वीडियो नहीं कर पाते और अपनी गाड़ी का भी ध्यान रखना पड़ता है, गाड़ी भी चलानी पड़ती है और अकेले सारा कुछ हैंडल करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए डेली वीडियोस नहीं आ पाते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाऊंगा इससे हम कैसे अपना टायर साफ़ करते हैं। ये इसमें पानी जो कि मैंने अभी भी बोला, और इसमें चीनी हमने थोड़ा सा डाला, और इसके ढक्कन का, इसका जो ढक्कन है इसमें सुराग किया है ऊपर से। अभी आप देखो, ये देखो हम ऐसे मारते हैं पहले इसको थोड़ा सा, ये नज़र आ रहा है, फिर आप देखना कितना अच्छा रहता है, क्योंकि सीज़न आने वाला है, एक ड्राइवर की ज़रूरत है। अगर आप में कोई रेडी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना, अपना कॉन्टैक्ट सेंड करना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। मैं आप सबका भाई सिटी एक्सप्रेस। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो करते हम अपना व्लॉग स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज बड़े दिनों के बाद वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो क्या ही बोले, आपके भाई को अब इन सब चीज़ों से मन भर गया, टाइम नहीं मिल रहा है, उस रीज़न की वजह से डेली वीडियो नहीं कर पाते और अपनी गाड़ी का भी ध्यान रखना पड़ता है, गाड़ी भी चलानी पड़ती है और अकेले सारा कुछ हैंडल करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए डेली वीडियोस नहीं आ पाते। तो सेब का सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है और एक ड्राइवर की ज़रूरत है, अच्छे ड्राइवर की ज़रूरत है जो मेरी गाड़ी पे आएगा, क्योंकि सीज़न आने वाला है, एक ड्राइवर की ज़रूरत है। अगर आप में कोई रेडी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना, अपना कॉन्टैक्ट सेंड करना, बट जो यहाँ नज़दीक का ही होगा, ज़्यादा दूर का नहीं होगा, ज़्यादा दूर का नहीं होना चाहिए। तो ओके, हाँ अभी देखो, हाँ मैं अपने घर पहुंचा था, अपना शहनशाह वहाँ पे। तो चलो फिलहाल आज हमें क्या करना है, काम हमें अपने शहनशाह को अच्छे से वाश करना है, तो कल परसों इंशाल्लाह निकल जाएंगे, क्योंकि आप जम्मू श्रीनगर चल के कुछ नहीं होगा, आप लंबे रूट पे जाना है, आप सेब भर के जाना है, अच्छे से मेहनत करनी है, बिल्कुल दिल खोल के मेहनत करनी है, पैसों की बहुत कमी है, इसलिए अपना शहनशाह अभी आपको नज़र आ रहा है। आज बड़े दिनों के बाद आप लोगों ने अपना शहनशाह देखा, तो आज ना यार सबसे पहले हमने अपना त्रिपाल खोल दिया, वो भी कम से कम 2-3 महीने के बाद, क्योंकि आपको पता ही होगा 2-3 महीने से अपनी गाड़ी को त्रिपाल डाल के ही था, क्योंकि हम जम्मू श्रीनगर ही चलते थे, FCI कभी कुछ करके नीचे नीचे ही जाता था, इसीलिए हम त्रिपाल वगैरह नहीं खोलते थे। तो आज हम अच्छे से अपनी गाड़ी को वाश करते और अपना त्रिपाल वगैरह सब कुछ खोल दिया, इसको अच्छे से यहाँ पर फोल्ड करके रखते हो और अपने शहनशाह को अच्छे से वाश करके रखते हैं। तो कल परसों में सोच रहा था सोपोर जाने का, क्योंकि वहाँ से अभी माल स्टार्ट हो गया, जो कि मैंने आपको इससे पहले भी बहुत बार बोला है, देखो, बट शहनशाह की हालत ना आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जब मैं कल जम्मू से आ रहा था अपने श्रीनगर की तरफ, रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, उसकी वजह से आप देख सकते हो कितनी मिट्टी लगी है, टायर कितने गंदे हो गए, अंदर से सीटें वगैरह सब कुछ खोल लिया, और ये रहा अपना कूलर, ठीक है, ये भी नीचे उतारा, तो अंदर से भी साफ़ सफाई अच्छे से करनी है, ये आप अंदर का लुक देखो अपने शहनशाह का। चलो फिलहाल हम यही काम करते हैं, उसके बाद ही देखते हैं क्या क्या होगा। वीडियो के साथ बने रहे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मेरा यहाँ पे अपना घर और यहाँ पे मैं अपना शहनशाह रखता हूँ, बिल्कुल रोड बड़ा है, तो ऐसा कमेंट नहीं करना सिटी भाई आप रोड पे गाड़ी धोते हो, ये देखो रोड बिल्कुल खुला है, ये थोड़ा यहाँ साइड दबा के, क्योंकि यहाँ पे पुल है ना, उधर थोड़ा दबाते हैं, तो थोड़ा सा यार क्या करें, अब जो सर्विस स्टेशन वगैरह है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, और हम अपने मोटर से ही इसको साफ़ कर दिए, जो कि मतलब हमें एप्पल ट्री गार्डन में काम आता है, स्प्रे वगैरह मारने में वो नज़र आ रहा है, मोटर लगा है अभी, पाइप वगैरह यहाँ पर बिछा के अच्छे से इसको साफ़ करते, अभी छोटा भाई वही काम कर रहा है, बट स्टार्ट नहीं हो रहा है शायद, इसको पता नहीं क्या हालत बना के रखी है। हो गया हो गया हो गया हो गया भाई, ये देखो, ये रहा मेरा छोटा भाई, सेब भी चालू हो गए, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ से मंडी का रास्ता, ये देखो टाटा मोबाइल में अभी सेब जा रहे हैं मंडी के लिए, ये देखो अपना शहनशाह और नज़ारा देखो, सीन चेक करो गाइस, कौन सी जगह पर आपका सिटी भाई रहता है, वो अपना घर और अपना शहनशाह, यहाँ से भी रोड है, यहाँ से भी रोड है, ये अपने गांव में जाता है, ये भी उधर ही पहुँच जाता है, और इस साइड में भी मुझे नदी है छोटी सी, और इस साइड में भी, ये देखो यहाँ से चेक करो, बट पानी आज कम ही है, ये देखो भाई। तो अपनी गाड़ी की वॉशिंग कंप्लीट हो गई, अब बस थोड़ा सा रह गया, बट हाल ना बुरा हो गया, क्योंकि आज खुद भी गाड़ी धोनी पड़ी, ये आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़ हो गया ना अपना शहनशाह, आप देखो, और पीछे का भी लुक देखो अभी, और अपना जो रस्सा वगैरह था पुराना वो भी मैंने नीचे ही उतार दिया, क्योंकि मैंने सोचा अब मैं नया रस्सा ले आऊँगा, क्योंकि वो जो पुराना रस्सा है वो कट जाता है या टूट जाता है, ख़तरा है उसे, इसलिए अब वो भी नया लाएंगे, और
और एक अपनी गाड़ी का त्रिपाल लाना है। भाई मुदस्सिर भाई को कॉल करते है, बोलते वहां से मेरे लिए एक त्रिपाल लाना है, हमें नहीं होनी चाहिए। त्रिपाल वगैरह मैंने यहाँ पे रख दिया फोल्ड करके अच्छे से। अभी बस सीटें वगैरह जो है इनका कवर निकाल के इनको अच्छे से साफ सफाई करना है, मशीन में डाल के इनको धो के रखेंगे। और अभी आप आगे का लुक देखो अपनी शहनशाह का कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना। ये देखो भाई, तो चलो मम्मी बुला रही है, बोल रही है पहले खाना खाओ क्योंकि वो हमारा ही वेट कर रहे हैं। 2 बज गए दिन के, तो पहले खाना खाते हैं उसके बाद थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और अपना जो पुराना रस्सा है वो मैंने ये देखो यहाँ पे फेंक दिया, क्योंकि आप इसको इधर ही रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा गीला हुआ है और टूट जाता है, काफ़ी पुराना रस्सा है। अब इसको इधर रखते हैं, अपना जो दूसरा त्रिपाल है इसको भी फोल्ड करते हैं अच्छे से। तो चलो फिलहाल हम पहले खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ही और थोड़ा काम करना है, और उसके बाद मुझे जाना है नाई के पास, कटिंग वगैरह भी करना है और खुद भी नहाना है फिर से, क्योंकि हालत फिर से ख़राब हो गई। चले खाना खाते हैं। अपना खाना है, तो अब हम अंदर से अभी सफाई कर रहे हैं। अभी छोटा भाई अंदर से साबुन मार रहा है, ये देखो यहाँ से पूरी साबुन मार लेंगे फिर अच्छे से इसको साफ कर लेंगे। ये देखो भाई अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अपनी गाड़ी की वॉशिंग कंप्लीट हो गई। ये आप देख सकते हो अपने शहनशाह का लुक कैसा आ रहा है। अब बस हम अपने ये सीटें वगैरह डालते हैं, और उसी के साथ साथ मैंने दवाई बना के लाया इनके लिए, क्योंकि ये जो है ना ये फिर अच्छे जजते हैं, पूरा ब्लैक लगते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो पीछे से भी अभी अपना शहनशाह कैसा नज़र आ रहा है, कैसा लुक आ रहा है, बिल्कुल साफ़ किया। मतलब सुबह 9 बजे से लगे हैं, अभी मुझे लग रहा है 3 बजने वाले हैं। तो अब बस ये सामान जो है बाहर त्रिपाल वगैरह ये सेट करना है, ये अपनी अपनी जगह रखना है अच्छे से, फिर उसके बाद ही हम निकलते हैं। मैंने बना के लाया, अभी आप देख सकते हो मेरे हाथ में बोतल है, इसमें मैंने पानी डाला और चीनी डाला। अब आप देखो इससे कैसे हम टायर साफ करते हैं। तो चलो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इससे हम कैसे अपना टायर साफ करते हैं। ये इसमें पानी जो कि मैंने अभी भी बोला, और इसमें चीनी हमने थोड़ा सा डाला, और इसके ढक्कन का इसका जो ढक्कन है इसमें सुराख किया है ऊपर से। अभी आप देखो, ये देखो हम ऐसे मारते हैं पहले इसको थोड़ा सा, ये नज़र आ रहा है, फिर आप देखना कितना अच्छा रहता है, ये देखो कितना ही ऐसे ही जो शाइन दे रहा है ऐसा ही रहेगा बराबर। शहनशाह को यहाँ पे साइड कर दिया अच्छे से, वाश करके सारा काम ओके करके सीटें वगैरह सब कुछ बिछा लिया। और हेरा कालीन ये भी मैंने धो के रखा, अभी स्लैब पे रखा है सुखाने के लिए, फिर जब कल निकलेंगे तो उसी टाइम डालते हैं। तो चलो अब फिलहाल चाय पीते हैं अंदर, और उसके बाद नहाना है, और फिर थोड़ा उधर से घूम के आएंगे। मैं सोच रहा था कटिंग करने का, बट मुझे नहीं लग रहा होगा क्योंकि वहाँ पर फिर टाइम लग जाता है बहुत। अब देखते हैं, फिलहाल चाय पीते हैं उसके बाद ही देखते हैं क्या होगा, तैयार होने वाले हमारे, और चलते हैं अंदर। मम्मी को बोलते हैं चाय दे दो क्योंकि भूख लगी। ये बंदा देखो यहाँ पे लगा है, पता नहीं क्या कर रहा है। ये रहा मेरा रूम, ये नज़र आ रहा है। अब चाय बनाते हैं पहले क्योंकि भूख ना बहुत ज़्यादा लगी। चाय दे दो जल्दी। चाय पी के मैं वापस अपने शहनशाह में आ गया, अभी इधर ही बैठे और जहांगीर भाई भी यहीं पे, तो इंशाल्लाह हमारा प्लान बन रहा है कार निकलने का किसी भी हाल में क्योंकि कल कानवाई है। तो चलो फिलहाल अब हम इस प्यारे से व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग वीडियो किसी भी रीज़न से पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो करते इस प्यारे से व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में। तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, दीजिए इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Oh, you know, Rosie, you know.